हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए झबला बेबी फ्रॉक लाए हैं। ये झबला बेबी फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे एक रंग से या दो रंग से, कई रंग से भी बनाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप लोग भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा ले सके। तो चलिए बनाते बनाते हैं हैं। बेबी फ्रॉक। तो इसके लिए लाल रंग की ऊन से 64 घर की चेन तैयार कर लेंगे, यानी कि सिकड़ी। तो ये 64 इसलिए क्योंकि हम जीरो साइज की बना रहे हैं। आप चाहे तो 80 घर से शुरू कर सकते हैं। मतलब इतना याद रखना है कि जो भी मतलब बनाएंगे कोई भी, तो उसके लिए चार भाग में उसको बांटना होता है। जो चार के साथ डिवाइड हो सके उतना घर आपको ले लेना है। हो सकता है आप ज़्यादा बड़े बच्चे की बना रहे हैं तो बच्चे के अनुसार आप घर मतलब चेन बना सकते हैं, उसी के अनुसार ये फ्रॉक बनेगा। तो हम जीरो साइज की बना रहे हैं तो हम 64 ही लेंगे और उसमें तीन चेन ज़्यादा लेंगे क्योंकि डबल क्रोशिया के लिए तीन चेन ज़्यादा होता है। तो देखिए तीन चेन ज़्यादा लिए हैं और यहीं से डबल क्रोशिया शुरू करेंगे। तो हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 64 डबल क्रोशिया अभी बनाना है हमको। तो इसको बना लेंगे 64। एक लाइनिंग लाल से बनाएंगे, उसके बाद पीले रंग से बनाएंगे। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे 64 है तो इसको अगला बार में 32 इसमें प्लस हो जाएगा चेन, क्योंकि अगर इसको डबल करना होता है कम से कम। तो डबल करने के लिए, तो एक बार में डबल करेंगे तो बहुत ज़्यादा घेरा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे 40 घर है, मान लीजिए 40 चेन लिए हैं, तो अगला लाइनिंग में उसको 60 कर लेना है। इस तरह का रेशियो से आपको चलना है। फिर उसके वाले आगे वाले में फिर उसमें 20 बढ़ा देंगे तो फिर 80 हो जाएगा। इस तरह से करना है और जितना आपको ज़रूरत है उस अनुसार या तो हर बार चेन बढ़ाएं एक एक हर घर में, या फिर आप उसको स्टॉप कर सकते हैं एक दो लाइनिंग के बाद फिर एक बार बढ़ाएं। तो उस तरह से आपको बनाना होगा। तो हम इसमें तीन लाइन में एक एक चेन बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद इसको चौथा बार में बंद कर देंगे क्योंकि हम जीरो साइज की बना रहे हैं तो उतना ही ज़रूरत होगा। तो देखिए ये कैसे बना रहे हैं, डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो एक ही घर में दो बार बीने हैं, फिर एक चेन लिए हैं, फिर दो डबल क्रोशिया छोड़कर फिर उसमें दो डबल क्रोशिया हमको बनाना है, फिर एक चेन लेना है। एक चेन जो लिए ना वही बढ़ रहा है, एक चेन हर बार दो बीनने के बाद, क्योंकि दो तो नीचे भी है दो ऊपर भी बनाए डबल क्रोशिया तो बराबर हो जाएगा। तो एक चेन जो ले रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। तो जैसे 64 है अभी, तो ये 96 हो जाएगा, इसमें 32 चेन बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग को भी बढ़ाना है। ये गला से बनता है तो गला के पास तो आप थोड़ा कम घर रख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे तो बॉडी और बाजू दोनों निकालना होता है। तो इसके लिए आपको घर बढ़ाना होता है। तो इस तरह से दो लाइन कंप्लीट, तीन लाइन कंप्लीट हो गया है। तो पहला लाइन में लाल से बनाएं, फिर पीला से, फिर लाल से बनाएं। तो लाल में देखिए तीन तीन डबल क्रोशिया और एक चेन लिए हैं। बीच वाले में दो डबल क्रोशिया है पीला से, उसके बाद एक चेन है। तो अब हम चौथा लाइन में घर नहीं बढ़ाएंगे और तीन डबल क्रोशिया और एक चेन ही रखेंगे। अगर हम इसके आगे बनाएंगे तो फिर एक चेन ज़्यादा बनाना शुरू करेंगे, लेकिन अब हमको बनाना है छोटा सा फ्रॉक आप लोग को दिखाने के लिए, तो हम अब नहीं बढ़ाएंगे घर। तो देखिए ऐसा बन चुका है। अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये लाइन चौथा लाइन इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है।
तो हम चार लाइन में ही आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहे इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बड़े बच्चे का बनता जाएगा, क्योंकि इसमें घर हर बार बढ़ेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे भी बढ़ेगा तो बाजू के लिए भी ज़्यादा घर बन जाएगा। तो फिर आप इसको आराम से बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं। तो देखिए, चार भाग में बांट लिए हैं, आठ आठ लिए हैं। मतलब आठ का मतलब क्या हुआ कि वो तीन जो डबल क्रोशिया है और एक चैन, तो वो चार घर का हम एक घर मान रहे हैं उसको। तो जितना एक एक करके, तो ये आठ है, तो ये आठ रख लेंगे बॉडी के लिए, आठ रखेंगे बाजू के लिए। तो इस तरह से इसको चार भाग में बांट लिए हैं और वहाँ पे धागा लगा दिए हैं पता चलने के लिए। आप भी इस तरह से धागा या कोई आलपिन सेफ्टी पिन लगा के उसको कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन हम बनाएंगे बॉडी के लिए, उसके बाद इसमें नीचे का झबला बनाएंगे। बहुत ही आसान है, हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि कैसे कैसे बनाना है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें अच्छे से नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ के आप लोग आसानी से बना सकते हैं। हम बनाने के सारे नियम उसमें लिख देंगे। तो देखिए, अभी इसके लिए झबला तैयार कर रहे हैं। तो इसको ऊपर की ओर से फंदा लेना है, जैसे हम लोग डालते हैं और पीछे से फंदा निकालते हैं, तो इसमें आगे की ओर से डाल के ही आगे से ही निकाल लेना है फंदा। अगर आप झबला कम करना चाहते हैं तो एक पूरा घर को, मतलब जो तीन का एक घर बनाए हैं उसको पूरा क्रॉस करके अगली में डालेंगे तो कम झबला होगा, लेकिन हम पूरा झबला वाला बना रहे हैं तो हम एकदम नज़दीक से ही निकालेंगे। तो देखिए, इसके तुरंत बाद जो है एक सिकड़ी वाला वो चेन जो था उसी के बीच से निकालेंगे और छह डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। यहाँ छह डबल क्रोशिया बनाना है। पांच हुआ है, एक दो तीन चार पांच, एक और अभी बनेगा। तो अब फिर एक चेन लेंगे और आगे की ओर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया और छह डबल क्रोशिया, एक चेन और छह डबल क्रोशिया बनाना है। तो छह डबल क्रोशिया जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं जनरल, इसी तरह बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया को आगे की तरफ से निकाल कर बनाएंगे। तो ये तीन घर का डबल क्रोशिया है, तो एक पहला वाला लेंगे और एक लास्ट वाला लेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे। और हर बार चेन लेना है, हर छह डबल क्रोशिया के बाद चेन लेना है। और इन दोनों के बीच से भी एक चेन लेना है। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये लाइन। और इसमें सबसे अच्छा बात है कि आपको कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि कहाँ पे फिर जोड़ना है या कुछ करना है, ये सीधा चलते रहेगा। आप जितना लंबा इसको बनाएंगे उतना लंबा बनते जाएगा, और सिर्फ लास्ट में इसको ख़त्म करने के समय में आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे इसको लास्ट में बंद करना है, क्योंकि ये चारों ओर इसी तरह घूमते घूमते बनते जाएगा खुद ही। देखिए, बांह भी निकल गया।
दोनों साइड से देखिए पहला लाइन कंप्लीट हो गया और अब कुछ नहीं सोचना है, बस जहाँ से शुरू किए थे वहीं से फिर ऊपर की ओर से निकाल लेना है। देखिए वो अब दूसरे लाइन में जो 6 डबल क्रोशिया लिए थे उसी के बीच से, यानी कि तीन घर के बीच से निकालेंगे फिर से डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया उसी के ऊपर बनेगा। देखिए इसी तरह हर बार बनेगा, 6 डबल क्रोशिया के बीच से ही फिर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। और एक चेन लेना है साइड से और जो 2 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल है उसके बीच से भी एक चेन निकालना है, जैसे पहली बार किए थे बस उसी तरह से करते जाना है। वीडियो को कितना भी शॉर्ट करें थोड़ा लंबा हो ही जाता है, क्योंकि ये फ्रॉक है तो थोड़ा तो लंबा होगा ही, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखें तभी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। देखिए दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको जितना लंबा बनाना है उतना आप बना सकते हैं। अगर आप 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बॉडी जो है उसको कम से कम 10 लाइन में बनाएं, 10 से 11 लाइन बनाइएगा और नीचे आप कम से कम 12 से 15 लाइनिंग झबला डालिएगा, तो 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए आराम से हो जाएगा। और 0 साइज की अगर बना रहे हैं तो उसमें 7 लाइन या 8 लाइन डाल सकते हैं बॉडी और बाजू के लिए, और झबला के लिए आप 8 से 10 लाइन तक डाल देंगे तो ये 6-7 महीना तक बच्चे को बहुत आराम से हो जाएगा। बस इस फ्रॉक में 2 चीज़ याद रखना है कि जब गले से शुरू करेंगे तो जितना लाइनिंग बनाएंगे उसमें आपको घर बढ़ाना है, एक मतलब 2 के साथ 1 घर बढ़ाना है, तो इस तरह से बढ़ाएंगे और बॉडी निकालेंगे। देखिए बॉडी कितना सुंदर बना है, अब इसको पीला रंग से हम इसका बनाएं। तो देखिए ये यहाँ पे लास्ट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक जैसा बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अब हम उसको नहीं बनाएंगे जैसे बना रहे थे, तो इसको हम सिंगल क्रोशिया बनाकर बंद कर देंगे। देखिए हो गया, तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। अगर हम उसको फिर से बना देते डबल क्रोशिया तो फिर ये अच्छा नहीं बनता, तो इसको सिंगल क्रोशिया के साथ बिन देना। तो अब देखिए इसका बॉर्डर बना रहे हैं तो 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक घर में, हर एक चेन में, तो इससे इसका घेरा में बढ़िया बनेगा, ज़्यादा सुंदर बनेगा। तो 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया और हर एक चेन में डालना है, क्योंकि हम झबला फ्रॉक बना रहे हैं तो झबला बहुत होना चाहिए, तो नीचे से भी थोड़ा झबला होना चाहिए, इसलिए 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से चारों तरफ बना लेंगे।
देखिए चारों तरफ हो चुका है। इसी तरह से अब बांह और गला पे भी बना लेंगे। और गला बड़ा है तो आप इसमें एक बढ़िया सा सुंदर सा डोरी बना के लगा सकते हैं, जिससे कि गला आपका साइज का हो जाए। और अगर गला सही है तो फिर आप नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस फ्रॉक में गला में डोरी लगाना चाहिए, क्योंकि ये गला से शुरू होता है और गला के पास भी ज़्यादा घर डालना होता है। तो इसके लिए एक डोरी बनाइए सुंदर सा और उसको गले पे लगा दीजिए। हम दिखाने के लिए बनाए हैं तो हम नहीं लगाए हैं, लेकिन कि आप लोग इसमें डोरी ज़रूर लगाइएगा गला के ऊपर। अब हम इसमें भी बॉर्डर बना लेंगे गला और बाँह पे, तो इसमें भी इसी तरह से, लेकिन इसमें हर घर में डाले थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ भी चुन्नट हो जाएगा। तो इसको हम प्लेन बनाएंगे, तो हम दो चेन लेंगे तो दो घर के बाद ही इसको डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको चुन्नट नहीं बनाना है, प्लेन बनाना है, इसलिए हम इसको प्लेन बनाएंगे। और इसी तरह से बाजू पे भी कर लेंगे। देखिए गला बन गया, तो यहाँ पे ही डोरी लगाना है। अब दोनों साइड से बाजू तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग के घर में छोटी बच्ची है तो बनाइएगा, अगर किसी को गिफ्ट देना है तो भी बना सकते हैं, जिसको गिफ्ट देंगे वो भी खुश हो जाएगा। इसको मिक्स मिला के इसमें अच्छे से बंद कर देंगे। और धागा को अंदर की तरफ करके नोट लगा देंगे। तो हमारा फ्रॉक दोनों साइड से इस तरह से बाजू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को ये बेबी फ्रॉक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी बनाकर इसे ज़रूर किसी को गिफ्ट दीजिए या अपने घर में बच्चे को पहनाइए। धन्यवाद।